भाई पटेल जी के नेतृत्व में जिस देश ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था, उस आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में यह देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितनी भव्यता के साथ अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा। हर घर तिरंगा इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, 1947 में कांग्रेस ने हो सकता है कि हमारे घरों में भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को पहराने में चूक की होगी, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव कैसे होना चाहिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण कभी मथुरा छोड़कर के द्वारिका में आए थे, द्वारिका उनका धाम बना, एक तीर्थ बन गया। आज गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही आज उसका भव्य रूप जब देखने को मिलता है, द्वारिका के भव्य स्वरूप को सामने लाने का कार्य होता है, अंबा माता के मंदिर के भव्य रूप को दुनिया के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे ही भारत की विरासत के प्रतीक, आस्था के प्रतीक इन सभी धर्म स्थलों को एक भव्य स्वरूप देखने को मिलता है, उससे एक नई प्रेरणा हम सबको भी प्राप्त होती है। और हम सब आभारी हैं आपके, आपने बार बार मोदी जी को यहां मुख्यमंत्री के रूप में चुना, मोदी की इतनी लोकप्रियता हुई और देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को वैसे ही मिल रहा है जैसे गुजरात को मिल रहा है, और भाइयों बहनों उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिला था, मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए, कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों, यही है जो संकल्प लिया। आज विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत, आस्था के तीर्थ स्थलों का हो रहा सम्मान और उसका भव्य स्वरूप आप उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम में जाइए, वहां पर भी यही भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप उज्जैन में जाइए, महाकाल के महालोक का दर्शन करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले उसका लोकार्पण भी किया है। और भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया, क्या कांग्रेस के रहते सब संभव हो पाता क्या? जब भाइयों बहनों, कांग्रेस ना आपके सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस ना आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस ना देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस ना वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है, कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है। और कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था, कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया,
ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए, और राष्ट्रपिता की उस संकल्प को पूरा करने का समय लगता है, समय आ गया और आ गया है समय। और इसीलिए गुजरात में कोई संदेह नहीं, आज डबल इंजन की सरकार जिस तेजी के साथ कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, भूपेंद्र भाई पटेल जिस मजबूती के साथ यहां कार्य कर रहे हैं, इसको देखते हुए मोरवी की हर सीट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल की तरफ जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं, और मैं आप सबसे इस बारे में करूंगा कि आप सभी इस बात से सहमत हैं कि देश का विकास और देश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है। आप मानते हैं देश की सुरक्षा, देश की आस्था का सम्मान ये केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही संभव है। आप मानते हैं ना? सभी लोग मानते हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, अगर आप ये मानते हैं तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे बांकानेर से भारतीय जनता पार्टी ने एक जुजारू कर्मठ कार्यकर्ता को, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जीवन पर्यंत एक निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरा जीवन जिया है, ऐसे श्री जीतू भाई सोमानी को बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मोरवी से भारतीय जनता पार्टी ने श्री कांति भाई अमृतिया जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए बहुत कठिन होता है कि हर घर जा सके, एक एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी स्वयं बनना होता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है, विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम देश का विरोध करने वालों के बीच में हो जाता है, और गुजरात से ज्यादा इसको कौन समझ सकता है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जय 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 गरवी गुजरात, जय 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 गरवी गुजरात, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। खूब खूब आभार। आप ऐसा स्थान पर उभा थी ने फरी एक बार भारत माता की।